कैमरे के सामने फूट फूट कर रोए चौधरी बाबूलाल, टिकट कटने से बेहद नाराज हैं सांसद चौधरी बाबूलाल। मैंने हमेशा पार्टी के लिए काम किया, उन्होंने ये बातें कही हैं, जनता के साथ परिवार जैसा व्यवहार भी किया। चौधरी बाबूलाल बेहद गमगीन नजर आए। रघुनाथ सिंह महाविद्यालय में चल रही है चौधरी बाबूलाल की महापंचायत, कि उनका जो टिकट काटा गया है वो सही नहीं किया गया। मेरे सहयोगी लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनीष, जिस तरीके से बाबूलाल गौर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, फफकते हुए नजर आए कैमरे के सामने, जो उनकी तस्वीरें कैद हुई, इसके पीछे क्या कुछ वजह है जो पार्टी ने उनका टिकट काट दिया? जी मैं आपको बताऊं, एंटी इनकम्पेंसी का जो मामला था, विकास ना कराने के जो आरोप लग रहे थे, उसी की चपेट में फतेह सीकरी से जो मौजूदा सांसद थे चौधरी बाबूलाल, वो भी उसके अंदर आ गए। एक वजह यह भी मानी जा रही है कि आगरा से जो रामचंद्र कटेरिया थे उनके साथ लगातार उनका विवाद बना हुआ था। चौधरी बाबूलाल ने आज रघुनाथ इंटर कॉलेज के अंदर जो महाविद्यालय के अंदर जो अपनी रैली की है, जो जनसभा की है, लोगों के बीच में जो उन्होंने सवाल पूछे हैं, रखे हैं कि आखिर आला कमान ने उनका किस वजह पर उनका टिकट काट दिया, इसी को लेकर काफी व्यथित नजर आए और वो मीडिया से बात करते हुए कैमरे के सामने रो भी गए। आपको बताऊं कि एक जाट नेता के तौर पर चौधरी बाबूलाल की छवि है और ये माना जाता है कि जाट बहुल इलाके में उनका काफी प्रभाव भी है, वो बराबर ये सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये उम्मीद भी जता रहे हैं कि बीजेपी का जो आला कमान है उसके साथ उनके साथ कहीं ना कहीं रियायत बरतेगा और उनको सम्मानजनक स्थिति में देगा। चलिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के साथ, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। तो इस वक्त बाबूलाल अपने समर्थकों के साथ महापंचायत भी कर रहे हैं और बाबूलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से मुखातिब भी हुए, क्या कुछ उन्होंने कहा आप ये भी सुन लीजिए। ये जनता का प्यार है, जनता के साथ जिस तरीके से अनादर हुआ है उसका अनादर का यहाँ पर व्यक्त करने के लिए आए। हम लोगों ने जिस तरीके से पार्टी ने हमारा टिकट काटा, कहता से हमको बता देते कि हमने पार्टी के साथ कौन सा गलत काम किया है, कौन सी पार्टी से हट करके हम लोगों ने बात की है, उसके बाद हम लोगों ने पूरी बात नेताओं को बताई। नेताओं के बताने के बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो हम लोगों ने जनता को बुला करके अपनी बात कहने का हमने कहा कि हम आपके सामने अपनी बात रखना चाहते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है और हम लोगों ने जब से हमने राजनीति संभाली है कभी भी हमने दलाली बट्टे करने का काम नहीं किया, कभी भी भ्रष्टाचार का हमारे यहाँ कोई मतलब नहीं रहा, कभी भी हम लोगों ने अपनी जनता के साथ जिस तरीके से परिवार के लोगों के साथ व्यवहार करते हैं ऐसी जनता के साथ हम लोगों ने आज तक व्यवहार किया। कभी भी जनता से हमने काम के बदले में रिश्वत के रूप में दो पैसे और या किसी लोभ लालच में हमने कभी भी कोई काम नहीं किया। पार्टी ने जब जब भी सहयोग के लिए कहा, चाहे एक रुपया से लेकर के जब जितने की भी कहा, हम लोगों ने वो उनकी नेतृत्व के आदेश का पालन हम लोगों ने हमेशा किया। उसके बावजूद हम लोगों को टिकट काटना, उसका फिर जवाब नहीं देना, तो हम लोगों ने जनता को बुलाया कि हमारे साथ ये हुआ है। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।